हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ब्लॉगिंग शुरू कर दी है मैंने। और आज है 30 तारीख और आज है तीज, तो सबको हैप्पी तीज। मैंने स्टार्टिंग की है रात में करने से और बर्थडे वाला अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो। अभी इसको निकाल के रख देंगे, फिर कभी काम आएगा, पता नहीं टिका रहेगा कि नहीं तब तक। तो ब्लॉग में बने रही है, क्या होता है देखिएगा आप लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, नहाना धोना सब हो गया है और मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी, चूड़ा पहनी, लेकिन मैंने उतार दिया क्योंकि मुझे कुछ बनाना है और इनकी कॉल आ रही है। यहाँ पे एकदम आलू भी बचा हुआ है, आप देख सकते हो कल का, और ये पनीर बनाया था मैंने, वो बचा हुआ है। तो यही सब खाना बना के दे दूँगी, कुछ भी बना नहीं रही हूँ, बस पूरी छान देती हूँ इनके लिए। इनको खाना है पूरी, कल ये खाना नहीं खाए थे ठीक से कि ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर नहीं खाया टाइम ज़्यादा हो गया। अभी बना रही हूँ, इनका फ़ोन आ रहा है, वो दे देती हूँ। गाइस, तो अब मैं फाइनली कर रही हूँ वॉइस ओवर और ये मैं तीज का ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग कहीं भी पसंद आए तो क्या करना, लाइक करना, न्यू हो तो क्या करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे वीडियो को। तो यहाँ पे जो मैंने ड्रेस ली थी तीज के लिए वो मैंने पहन ली है, एकदम ग्रीन 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 बनी हुई हूँ। कैसा लग रहा है ये ग्रीन कलर मुझ पर ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना प्यारा सा मेकअप खुद से, और मेरे कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेकअप मैंने खुद से किया था, तो हाँ मैंने मेकअप खुद से किया था। मेरे घर वाले में से कोई लोग, बहुत लोग पूछ रहे थे फ़ोन करके जब जिन्होंने देखा था मेरा ब्लॉग, तो मैंने मेकअप खुद से ही किया था, आप लोग देख लो ब्लॉग में, मैं खुद से ही कर रही हूँ और अच्छा मेकअप हुआ था, उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों ने कहा। और बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने हल्का सा फाउंडेशन क्रीम वगैरह वही सब जो जो लगाते हैं ना सब लगा लिया है। और ये इयर रिंग्स वगैरह खरीदी थी, आप देख सकते हो एकदम इससे मैचिंग मैच। और ये देखो मेरा लुक जो है वो रेडी हो चुका है, कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी फटाफट से सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त जो है वो 6:35 से लेके 8 बजे तक का ही है तीज का। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने पैरों में महावर रंग और आलता, जो भी आप लोग अपने जगह पर बोलते होंगे, हर जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो मैं तीनों नाम बता दी हूँ। तो इसको लगा देते हैं क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लगाने के बाद मैंने अपने पैरों में पहन ली है मोटी मोटी सी पायल, पहले वैसे कि मैं पायल नहीं पहनती हूँ अपने पैरों में, क्योंकि मेरे पैरों में ब्लैक सी आ जाती है और बहुत खुजली होती है, इसलिए मैं नहीं रेगुलर से वेयर करती हूँ। लेकिन आज तो तीज है तो आज तो पूरा 16 सिंगार करना बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने पहन ली है पायल और चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली, आप लोग देख सकते हो वेलवेट की चूड़ी ली, और ये रहा मेरा फुल लुक, और इसके साथ दुपट्टा भी है। अभी मैं दुपट्टा भी लूँगी, लेकिन मैंने सोचा चलो फुल लुक दिखा देते हैं ग्रीन ग्रीन एकदम लहंगे का। तो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए फटाफट से पूजा की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त हो गया है, 6:30 बज गए थे। और यहाँ पे मैं फटाफट से क्या करूँगी, गौरी और शंकर जी की स्थापना करूँगी, स्थापित करूँगी। यहाँ पे मैंने छोटा सा पीढ़ा लिया हुआ था, उस पर कपड़े बिछा दिए पीले, और बस यहाँ पर स्थापना कर दिए और सारी व्यवस्था सारा सामान वगैरह जो है अरेंज कर लेती हूँ। और इसके बाद ये देखिए मैंने सब निकाल लिया, इसके बाद मैं पूरे दिल और लगन से पूजा यहाँ पे करूँगी भगवान जी की। और देखते रहिए आप लोग कैसे क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, ब्लॉग में बने रहिएगा। सबसे पहले मैंने ये गंगा जल काशी का है फ्रेंड्स, तो इससे ही मैं स्नान करा देती हूँ गौरी और गौरी शंकर जी को, इससे स्नान करा दी हूँ। इसके बाद मैं अपने आँचल से इनको पोछूँगी, सुखा दूँगी अच्छे से इनको पोछ के, और इसके बाद करूँगी गौरी जी का श्रृंगार। तो उनको सिंदूर लगाऊँगी, चुनरी ओढ़ाऊँगी, बिंदी चूड़ी ये सब चीज़ें अर्पण करूँगी, फल वगैरह सब फूल वगैरह ये सब जो है एकदम पूरा अच्छे से श्रृंगार कर दूँगी। और पूरा उतना डिटेल में मैंने नहीं दिखाया था, मैंने सिर्फ यहाँ पर श्रृंगार का ही दिखाया है। इसके बाद मैंने कथा भी कही थी, वो सारी चीज़ें मैंने नहीं शेयर की वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती इस वजह से। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए थोड़ा म्यूज़िक के साथ, और कहीं भी पसंद आए तो लाइक करते जाना।
फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ने कहा था कि अगरबत्ती ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं धूप बत्ती ही जला रही हूँ। और मॉर्निंग में अगरबत्ती जला दूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ले ही आते हैं, तो जला देती हूँ मैं एक टाइम पे। और यहाँ पे जो है मैं पूजा आरती जो है वो कर लेती हूँ और अच्छे से इन लोग का आरती उतार देती हूँ, भोलेनाथ जी का और गौरी जी का। और बस जो मेरे लिए अच्छा हो, भला हो, वही ये लोग करें, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब इंसान समझ ही नहीं पाता है कि सही क्या है क्या गलत है, तो तब उस वक्त पे ना सब चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने भी छोड़ दी है भगवान जी पे ही सारी चीज़ों को, देखते हैं क्या होता है। तो पूजा हो गई है और इसके बाद आ गई हूँ मैं इनका यहाँ पे पैर छूने, और पैर छुआने में इतने नखरे होते हैं इनके कि मैं क्या बताऊँ, और बहुत नखरे करते हैं पैर छूने। कह रहे हैं मैक्स का भी छूओ पैर। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये तीज का दूसरा डे है और नहा हुआ के मैं रेडी हो गई हूँ। 5:30 बजे उठी थी मैं और नहा हुआ के रेडी हो गई हूँ। मैंने हेयर वॉश किया है, थोड़ा सा मेकअप किया है, साड़ी पहन ली है ये वाली, और अभी जा रही हूँ मैं नीचे जल चढ़ाऊँगी। हमारे पहले नीचे जल चढ़ाते हैं, इसके बाद जो मैंने पूजा की थी वहाँ से मुझे सुहाग लेना है, तो सुहाग लूँगी, तो उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो देखिएगा आप लोग कैसे होता है क्या होता है। अभी तो मैं नीचे जल चढ़ा के आती हूँ, ठीक है। आप लोग को पता ही मैं कहाँ जल चढ़ाने जाती हूँ, तो चलते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे जो है मैं नीचे जल चढ़ाई थी, और तुलसी माता जी को और सूर्य देव जी को भी मैंने जल चढ़ा दिया था। और यहाँ से अब मैं सुहाग ले रही हूँ, जैसे कि सिंदूर जो है वो लिया जाता है, और यहाँ पे बिछिया वगैरह मैंने चढ़ाई थी वो मैं लूँगी पहनूँगी। और इसके बाद पूजा वूजा करके फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। और व्रत हमारे में दही जलेबी से ही खोला जाता है, हर जगह अलग अलग रिवाज होता है, बट हमारे में दही जलेबी से ही व्रत खोला जाता है। आप लोग में कैसे होता है मुझे ज़रूर ताना। और मैं कैसी लग रही थी ग्रीन वाले लहंगे में भी, और अभी भी कैसी लग रही हूँ ये भी ज़रूर बताना। और हाँ, एक चीज़ और, कोई भी बैड कमेंट नहीं करिएगा प्लीज़, आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। इतना अच्छा सा मैंने ब्लॉग बनाया है, तो प्लीज़ अच्छा सा ही बोल के जाइएगा। तो चलिए फटाफट से जो है मैं ले लेती हूँ सुहाग, इसके बाद जो है व्रत खोलती हूँ, फिर आपको बाय टाटा करती हूँ। फाइनली पतिदेव दही जलेबी ले आए हैं, मैं खा के व्रत खोल रही हूँ। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय।